चीन की सेना ने फिर कश्मीर के लद्दाख में अतिक्रमण की कोशिश की। लद्दाख के चुमार और देमचोक में चीनी सेना ने की घुसपैठ। ब्राजील में पीएम मोदी से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत के वक्त ही चीनी सेना कर रही थी घुसपैठ की कोशिश। चीनी सेना का भारतीय सेना ने भी दिया जवाब। घुसपैठ की चीनी सैनिकों को किया गया नाकाम। ब्राजील दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में भारतीय दूतावास की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। भारतीय दूतावास में अधिकारियों और कर्मचारियों से भी की पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात। ब्राजील में बुधवार को खत्म हुआ ब्रिक्स सम्मेलन, आज भारत वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी में बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मोदी के देश लौटने का हो रहा है इंतजार। सरकार बनाने के लिए बीजेपी आलाकमान ने बनाया मन। जगदीश मुखी सीएम के रेस में सबसे आगे। जगदीश मुखी ने कहा गेंद उपराज्यपाल के पाले में, सरकार गठन के लिए एलजी हर कोशिश करेंगे। केजरीवाल के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर बोली बीजेपी, कहा उनके विधायक को किसने पैसा दिया इसका सबूत दें। जगदीश मुखी ने केजरीवाल के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा बीजेपी ना कभी खरीद फरोख्त करती है और ना करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा दूसरों को स्टिंग ऑपरेशन सिखाने वाले केजरीवाल ने उनका स्टिंग क्यों नहीं किया जो उनके विधायकों को ऑफर दे रहे थे। केजरीवाल को अगर हमारी सारी प्लानिंग पता है तो लगे हाथों सबूत भी दे दें। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष का आरोप, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश में बीजेपी। आशुतोष ने कहा उपराज्यपाल विधानसभा भंग करे नहीं तो उनके फैसले पर उठेंगे सवाल। दिल्ली में शुरू हुआ पोस्टर वार, आम आदमी पार्टी ने लगाया पोस्टर बीजेपी पर, आप विधायकों को 20-20 करोड़ लालच देने का आरोप। केजरीवाल के इलाके में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर, गोल मार्केट के लोगों ने कहा जीतने के बाद इलाके में नहीं आए केजरीवाल। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का साई का विरोध जारी, अब शिरडी के साई को चढ़ावे पर जताई आपत्ति। स्वरूपानंद ने कहा दान करने वालों को सोचना चाहिए कि वो कहां दान कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साई पर हुई थी नोटों की बारिश, 4.5 करोड़ नकदी के अलावा भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ाए गहने। कश्मीर में आज हुर्रियत के बंद का ऐलान। सैयद अली शाह जिलानी ने सेना की गाड़ी से हुए हादसे के विरोध में बुलाया है बंद। हुर्रियत के मुताबिक सेना के ट्रक ने जानबूझकर मारी गाड़ी में टक्कर, घटना में 6 लोगों की हुई थी मौत। बैंगलोर के नीला मांगल में एक गांव में आयुर्वेदिक डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट पर हमला, सैकड़ों लोगों ने की पिटाई। आंगनबाड़ी में परोसे जाने वाले खाने की बदहाली बताने की दी सजा, डॉक्टर ने स्थानीय पत्रकारों को बताया था खाने लायक नहीं है अनाज। ममता बनर्जी ने बंगाल में बंद हुए चाय बागानों के किसानों को किया वादा, बेरोजगारों को सरकार देगी 100 दिन का काम। पंचायती विभाग से राज्य सरकार देगी 2 करोड़ रुपए, केंद्र की मदद से बंद हुए 6 बागान दोबारा खुलवाने की जाएगी कोशिश। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आम आदमी पार्टी ने जल बोर्ड के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन, घंटों तक स्टाफ को बनाया बंधक। आप विधायक के मुताबिक सूरज पार्क इलाके में पानी की लाइनों का टेंडर भी हुआ पास और इलाके में पानी भी आने लगा लेकिन केवल कागजों में ही हुई पूरी कवायद। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया 1,28,000 क्यूसिक पानी, दिल्ली में बढ़ने लगा बाढ़ का खतरा, 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा छोड़ा हुआ पानी, सरकार ने निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट। यूपी के मुरादाबाद के एसपी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, पश्चिम यूपी के सांसद और विधायक दर्ज कराएंगे एसएसपी के खिलाफ मुकदमा, कांठ थाने में 26 जुलाई को पहुंचकर देंगे एसएसपी के खिलाफ शिकायत। यूपी में कानून व्यवस्था पर फिर उठा सवाल, छेड़खानी से परेशान छात्रा ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की, मोहल्ले को 2 युवकों पर, रोज छात्रा पर फपतियां कसने और छेड़छाड़ करने का आरोप।
देवभूमि हरिद्वार में साधु गोल्डन बाबा के कार्यक्रम में धर्म का उड़ा मजाक। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चियों पर उड़ाए गए नोट। घटना के वक्त महामंडलेश्वर पायलट बाबा समेत कई संत थे मौजूद, किसी ने नहीं किया घटना का विरोध। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में व्यापारियों के समूह पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, आधा दर्जन से ज्यादा व्यापारी हुए घायल। साथ ही कारोबारी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे व्यापारी। करीब डेढ़ घंटे तक जीटी रोड जाम रहने के बाद पुलिस ने बरसाई लाठियां। हैदराबाद के डॉन बॉस्को स्कूल में घटी शर्मनाक घटना। तेलुगु में बात करने पर 5वीं के 42 छात्रों को बेदर्दी से पीटा गया। नाराज अभिभावकों ने प्रिंसिपल से की घटना की शिकायत, टीचर को सस्पेंड करने की मांग। दिल्ली में एक बार फिर बदमाशों के निशाने पर बुजुर्ग। रोहिणी में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर दिया लूट को वारदात को अंजाम। सेल्समैन बनकर घर में दाखिल हुए बदमाश, बुजुर्ग महिला को रस्सी से बांधकर घर में की लूटपाट। घर से हजारों रुपए कैश और लाखों की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। जाते समय दीवार पर लिखा डॉन इज बैक। देर रात बुजुर्ग महिला के बेटे ने बाहर से बंद घर का दरवाजा खोलकर महिला को किया आजाद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा के एक होटल में मिली है युवती की लाश। 14 जुलाई से प्रेमी दिलीप के साथ होटल में रह रही थी मृतक पिंकी। वारदात के बाद से फरार है दिलीप। दिल्ली के शांति निकेतन में रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार कर की खुदकुशी। सुसाइड नोट भी छोड़ा। राकेश शंकर ने किसी को नहीं बताया मौत का जिम्मेदार। कई दिनों से डिप्रेशन में थे राकेश शंकर। मुंबई के लोगों पर मुसीबत। अभी पानी की सप्लाई में 20% की कटौती जारी रहेगी। बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने लिया फैसला। 5 सितारा होटलों और कारखानों में पानी की सप्लाई में 50% की कटौती। मुंबई में कल दिन भर कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। बारिश के कारण विमानों की आवाजाही में देरी। हिंदमाता और एल्फिंस्टन इलाकों में हालात सामान्य। बीती रात बारिश के कारण भारी जलजमाव। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी यातायात सामान्य। मुंबई में पिछले 4 दिनों से हो रही है बारिश। गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 बदमाश घायल। 90 लाख की लूट के सिलसिले में पुलिस कर रही थी गिरफ्तारी की कोशिश। बदमाशों की तरफ से शुरू हुई फायरिंग। दिल्ली के मोतीबाग में मणिपुर की रहने वाली युवती की लाश मिलने से सनसनी। दोपहर घर में मिला शव। सहेली के मुताबिक अपने बिस्तर पर अचेत मिली युवती, कान में ईयरफोन भी लगा था। गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर चलती स्कोडा सुपर्ब कार में लगी आग। आग में चपेट में आने से एक ऑल्टो कार भी हुई खाक। ऑल्टो सवार ने लपटों में गिरी। स्कोडा कार को बचाने के लिए रोकी थी गाड़ी, लेकिन लपटों में गिरी दोनों कार। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में रोड रेज के चलते गई युवक की जान। विक्रम गाड़ी के ड्राइवर अजीत की हुई मौत। अजीत की टाटा 407 चालक से हुई थी कहासुनी, जिसके बाद टाटा 407 चालक ने दिया था अजीत को धक्का। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतारा। आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं। 34 साल का आरोपी मुकेश, पेशे से आर्किटेक्ट, पुलिस को फोन कर कहा था पत्नी बच्चे को मारकर खुदकुशी करने जा रहा हूं।
एंडरसन जडेजा विवाद पर बोले कप्तान धोनी, कहा नॉटिंगम टेस्ट में एंडरसन ने लांघी सीमा। धोनी ने कहा खेल भावना से नहीं होना चाहिए खिलवाड़, जडेजा ने सही तरीके से शिकायत की। जडेजा की शिकायत पर जुडिशियल कमिश्नर करेगा सुनवाई, दोषी पाए जाने पर एंडरसन पर लग सकता है 2 टेस्ट का बैन। इंग्लिश टीम ने जडेजा पर भी ठोका जवाबी आरोप, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 2 का बताया है दोषी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने लिया भारतीय टीम का पक्ष, कहा क्रिकेट में शारीरिक हमले की कोई जगह नहीं। नासिर हुसैन ने कप्तान धोनी के रुख की भी की तारीफ, कहा मामले को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं धोनी। आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला, 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच रहा था ड्रॉ। लॉर्ड्स के पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद, टीम में हो सकती है आर अश्विन की वापसी। मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी धोनी की सेना। जून 2011 के बाद से विदेशी जमीन पर भारत ने नहीं जीता है कोई टेस्ट मैच। ब्रिटिश पुलिस ने किया है बच्चों के साथ यौन अपराधों के 660 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार, डॉक्टर और टीचर्स के अलावा नेता तक शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वो इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकियों के बीच सीज़फ़ायर की मिस्र कोशिशों का करते हैं समर्थन। प्रिंट और ऑनलाइन पब्लिकेशन में मुस्लिम आतंकवाद के समर्थन के दोषी पाए जाने पर अमेरिकी अदालत ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को सुनाई सजा। होंडा के पहले यमुनॉइड रोबोट की तस्वीर आई सामने, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है रोबोट। बेल्जियम में खींची गई तस्वीरें, बोतल खोलने, ड्रिंक तैयार करने के अलावा जापानीज भाषा बोल सकता है रोबोट।